दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने अपने मुसलमान खिलाड़ी के साथ जो किया इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जीत लिया। पाकिस्तान से फाइनल जीतने में मोइन अली की बैटिंग और आदिल रशीद की शानदार बॉलिंग ने टीम को वर्ल्ड कप जीतने में एक अहम किरदार अदा किया। मगर कमाल तो दोस्तों उस वक्त देखने को मिला जब सेलिब्रेशन के मौके पर आदिल रशीद और मोइन अली जीत का जश्न छोड़कर दोनों बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां अब अल्कोहल शराब एक दूसरे पर डाली जाने वाली थी जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है। ये बात टीम के कप्तान जॉस बटलर को मोइन अली और आदिल रशीद के अमल और किरदार से ये बात मालूम थी कि ये दोनों इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए जॉस बटलर बाइन डालने से पहले ही आदिल रशीद को हाथ के इशारे से जाने के लिए कहते हैं। इनके निकलने के फौरन बाद ही शराब एक दूसरे पर डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आदिल रशीद और मोइन अली ने एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों के सर फख्र से ऊंचे कर दिए। यही एक सच्चे मुसलमान की पहचान होती है जो अपने दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल करता है। आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।